प्रदेश के जनपद कुशीनगर में बंजारी पट्टी बीआरसी पर प्रेरणा ऐप के विरोध में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि शिक्षकों ने इस ऐप का जमकर विरोध किया है। शिक्षकों का कहना है कि जब तक सरकार शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त नहीं करती व छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करती, तब तक इस तरह के ऐप का विरोध शिक्षक करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप्स की लॉन्चिंग हो जाने के बाद से तमाम तरह के प्रदेश में धरना प्रदर्शन और तरह तरह के प्रेरणा ऐप्स के विरोध शिक्षक संघ के द्वारा किया जा रहा है। उसी क्रम में हम आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के बीआरसी बंजारी पट्टी में भी जो है प्रेरणा ऐप्स को लेकर के यहाँ शिक्षक संघ के लोगों ने प्रेरणा ऐप का पूर्णतः विरोध किया है, प्रेरणा ऐप्स को जो है बहिष्कार किया है। प्रेरणा ऐप्स को लेकर के किस तरह की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है? मैं राजेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ जनपद कुशीनगर। क्या चल रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है ये प्रेरणा ऐप के विरोध में? तहसील स्तरीय धरना है। हमारा धरना 19 से प्रारंभ हुआ, 19 को हाटा में था, 20 सितंबर को कश्याँ और तमकोही तहसील में था और 21 को पडौना तहसील में था। आज आखिरी दिन था। आज हमारा कार्यक्रम कप्तानगंज तहसील और खड्डा तहसील में है, जहां खड्डा तहसील के समस्त शिक्षक जो है प्रेरणा ऐप को वापस लिए जाने की मांग को लेकर के। लॉन्चिंग से किस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं प्रेरणा ऐप की? से लांची से समस्या एक ये है, जैसे हाई कोर्ट की रूलिंग और सुप्रीम कोर्ट की भी, कि निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। पहले तो हमारी निजता का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि एक शिक्षक सम्मान, समाज का एक सम्मानी व्यक्ति है, उसे लोग बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ देखते हैं, उसका एक अपना चरित्र है और हमारे जो स्वाभिमान को एक तरह से चुनौती दी जा रही है। ये आयोजन था प्रेरणा ऐप के विरोध में, हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। क्या दिक्कत है प्रेरणा ऐप से? तो दिक्कत बहुत नहीं, बहुत दिक्कत है। ये गवर्नमेंट या चाहे आप मीडिया चाहे अन्य लोग, कोई लोग ये नहीं कहते हैं कि मार साहब जाएं और विद्यालय में बच्चन के पढ़ाएं, ये केहू नहीं कहला। प्रेरणा ऐप वही है, हम प्रेरणा ऐप में एक अध्यापक, हम तो वैसे अध्यापक विद्यालय में एक दो हैं और प्रेरणा ऐप लेकर लागू करने से हम लोग वो फोटो खींचेंगे भेजेंगे, ये चार बार क्रिया करना है। तो जो अध्यापक क्रिया करेगा या इनका प्रेरणा ऐप का, वो पढ़ाएगा कभी नहीं पढ़ाएगा। इसलिए मैं आज इनके हाजिर लेने का बहुत तरीके हैं। अभी आपने कहा बायोमेट्रिक, तो बायोमेट्रिक लागू कर दें, हम जाएंगे इसे दबाएंगे, ये एक मिनट दो मिनट का वो झंझट नहीं रहेगा। अब दबाएंगे, 5 मिनट लेट गए तो दबाएंगे तो 5 मिनट उनको शो करेगा ना, उस पर जो उनको करना होगा करेंगे, लेकिन ये है कि 1 मिनट लेट हो जाएगा और अध्यापक जो है 7:45 पहुंचेगा, पहला सेल्फी वो देगा। तो इसीलिए ये बहुत ये दिक्कत की समस्या है। मुझे केवल पढ़ाने का काम लिया जाए, बाकी ये कुछ नहीं किया। उनको बहुत चीज़ें हैं हाजिरी हमारी लेने के लिए, तो वो इसको पेड़ा छोड़ के वो सारी चीज़ें जो भी है सुविधाजनक हो, हमारे के लिए भी हो, उनके लिए हो, वो लागू करें। प्रेरणा ऐप का कमीशन आप बोल ही रहे हैं, इसमें केवल कमीशनबाजी है और कुछ नहीं है। अनुराग तिवारी, सीएमएन न्यूज, कुशीनगर। मुखबिर की सूचना पर बहराइच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चकिया रोड पर 7 बोतल नेपाली कर्णाली शराब सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय सदर बहराइच रवाना कर दिया गया है। भारतीय समाज पार्टी से रोमकोला विधानसभा के विधायक रामनंद और बोध जेल भेज दिए गए हैं। बीते महीने 17 तारीख को संतोष पांडे के घर अपने समर्थकों के साथ आगजनी व उपद्रव मचाया था, जिसके चलते आहरोली थाने में मुकदमा दर्ज किया था और आज उन्हें जेल भेज दिया गया है। नगर निगम फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद योगेश शंखवार ने मेयर नूतन राठौड़ समाजवादी पार्टी के इशारों पर काम करने और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने और गुंडा कहकर बदनाम करने के कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। गुंडा बोलती थी, वह गुंडा गुंडा करके बोलती थी, चश्मा नहीं लिया इस समय। गुंडा को बचाने में लगी है और भाजपा पार्षद योगेश शंखवार पर लगवा रही फर्जी मुकदमा, इसकी मानसिकता समाजवादी पार्टी की है, इसको भाजपा में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, आगे इसको कोई भी समाज देगा जवाब, कोरी समाज इसको जवाब देगा। ये आपने यहाँ जो जाम लगाया वो किस तरह लगाया है? हमारे पार्षद जी जो हैं उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया है, हमने इसीलिए जाम लगाया है कि हमारा मुकदमा वापस हो।
हमारा मुकदमा वापस लिया जाए और हमको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। मतलब हम एससी के लोग हैं तो हम कब तक अत्याचार सहेंगे, कब तक पिटेंगे? हम जो पूर्व सभापति के साथ जो अत्याचार हुआ हाथापाई की, उसको मुझे न्याय मिलना चाहिए। हम लोग कब तक अत्याचार सहेंगे? हमको न्याय मिलना चाहिए। जब तक हमारे विधायक कन्हैया लाल गुप्ता जी यहाँ नहीं आ जाएंगे तब तक नहीं लेंगे यहाँ से। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति रही है, तो किस स्थिति को लेकर जो आज जाम लगाया गया? स्थिति ये रही है कि मैंने एक देशदीपक यादव है समाजवादी पार्टी के, तो मैंने इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया था 15/9/2019 में। तो इसमें जो माया देवी हैं सपा पार्षद हैं, तो उन्होंने हम पे उनके पति ने और उनके पुत्र रॉकी ने हम पे दबाव बनाया था कि आप इसको राजीनामा कर लो। उन्होंने बहुत बार हमारे घर भी आई तो दबाव बनाती रहीं, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो इन्होंने महापौर जी के यहाँ पर षड्यंत्र रच करके वहीं प्लानिंग पूरी बनाई गई महापौर जी के यहाँ, और षड्यंत्र रच करके और मेरे खिलाफ़ मुकदमा लिखाया गया। इसमें महापौर जी का पूरा सहयोग रहा है, और महापौर जी ने वहाँ पर कुछ पार्षदों को बुला करके हमारे मुकदमा के ख़िलाफ़ कुछ शपथ पत्र तैयार कराए गए हैं, वो भी शपथ पत्र सीओ साहब को दिए गए हैं। उसके बाद इन्होंने षड्यंत्र रच करके 16 तारीख षड्यंत्र रचा गया। उसके बाद इन्होंने 21 तारीख को शाम 10 बजे मायादेवी ने मेरे खिलाफ़ मुकदमा पंजीकृत करा दिया, फर्जी मुकदमा। और इसमें पुलिस ने मोटा पैसा लिया है, और मोटा पैसा लेकर मुकदमा मेरे ऊपर फर्जी पंजीकृत करा दिया गया। सभापति, आपको आप पर आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, देशदीपक यादव की तरफ से आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो महिलाएं गई हैं उन महिलाओं को पैसों को लेकर भेजा गया है और आपके षड्यंत्र के तहत ये जाम लगवाया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के हर नेता जानता है कि उनके पास जो हमारी बाढ़ की जनता है, और मैं कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, और हमारी जनता जानती है बाढ़ की कि मैं कितना उनके लिए काम करता हूँ। जो उनको रोज पर्याप्त था, तो इनको जो रोज पर्याप्त था उनको लेकर के वो उन्होंने आज क्या लगता है ये नूतन राठौर की वजह से या सड़े? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारी महापौर जी की वजह से पूरा इनको जो महापौर का है पूरा समाजवादी पार्टी देशदीपक यादव को जो वो आज के 4-5 महीने पहले जिसको कहती थी ये गुंडा है पुलिस को अधिकारियों को कहती है गुंडा, इसको पकड़ो, ये हमसे अभद्र भाषा। तो महापौर भी तो भारतीय जनता पार्टी की? हाँ वो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनकी मानसिकता पूरी समाजवादी पार्टी की है। उनकी जो मानसिकता जो झलकी है वो सीधी समाजवादी पार्टी की है। अगर ऐसा कहना सही होगा कि समाजवादी पार्टी से मिलकर मेयर घोटालेबाजी कर रही है? समाजवादी पार्टी के मेयर घोटालेबाजी कर रही है, और समाजवादी पार्टी की देशदीप यादव की और महादेव की सपोर्ट कर रही है सीधा। उन्होंने आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने पैसे देकर महिलाओं से जाम लगवाया, ये निराधार, ये गलत है, और इसकी सत्ता आपको जो भी है वो सत्ता इसकी हासिल करे। देशदीपक यादव का ये भी आरोप है कि आपने जिस तरीके से आपका पद चला गया उसको लेकर आप जो है बौखलाहट में आ गए। पद तो मेरा बाद में गया, बदतमीजी तो उन्होंने बहुत पहले कर दी थी, पद तो मेरा गया है बाद में, घटना तो मेरे साथ नगर निगम हुई थी, पद तो हमारे बाद पद तो बाद में गया है, घटना हमारी पहले हो चुकी थी। इसमें महापौर जो मानसिकता है पूरी समाजवादी पार्टी की है, समाजवादी पार्टी को वो सीधा देशदीपक को लेकर के। और अपने आपको किस पार्टी का कार्यकर्ता समझते? मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के